अल्लाह करे दौरे बयान दौरे कलाम और ज्यादा
मैं अब दरख्वास्त करता हूँ गहवारे अरब की रवान शायरा फिलाडेल्फिया में रिहाइश पजीर है, मैं मुहतरमा सीमा फातिमा साहिबा से दरख्वास्त करता हूँ कि वो किताब पे अपने कुछ तबसरे से नवाजे। जनाब सीमा फातिमा, शबे तन्हाई में जुगनू ले आते हैं, कमाल है तकी क्या क्या हुनर आते हैं, कमाल है तकी क्या क्या हुनर आते हैं, दियार गैर में दिए अदब के जलाते हैं, दियार गैर में दिए अदब के जलाते हैं, कमाल है तकी क्या क्या हुनर आते हैं। कदम है क्यों लापता के मकी रहे तुम, क्यों लापता के मकी रहे तुम, क्यों गुमशुदा के अमीन रहे तुम, तुम्हारी नाव तो कब की डूब चुकी, तुम्हारी नाव तो कब की डूब चुकी, क्यों समंदरों की जमीन रहे तुम, जलाए रखा तमाम जीत जिसने, जलाए रखा तमाम रीत जिसने, क्यों उसी के लिए बागे नसीम रहे तुम, ख्वाहिशों के शराब में भागता रहा, ख्वाहिशों के शराब में भागता रहा, क्यों ऐसे दिल की जीन रहे तुम, पेवस्ता रहा जो जिगर में, क्यों उसी खंजर के शौकीन रहे तुम। बहुत शुक्रिया, बहुत मुबारक। बहुत बहुत शुक्रिया सीमा फातिमा साहब। उर्दू अदब के मारूफ दानिश्वर और मशहूर शख्सियत ख्वाजा रज़ी हैदर साहब के ख़त से एक इक्तिबास पेश खिदमत है जो कि उन्होंने तकी भाई की किताब में तबसरा में शामिल। लिखते हैं, ज़बानो बयान और ख्याल की नुदरत शायरी को रफत अदा करती है और ये रफत आपके कलाम में जा बजा मौजूद है। इस शेर में ज़िंदगी की फनाइत और दुनिया की बेसबाती को आपने नहायत खूबसूरत अंदाज में जाहिर किया है। नींद आए ना आए इस घर में, नींद आए ना आए इस घर में, रात भर को ख्याम करना है। अब मैं दावत देता हूं, हवा के हाथ खाली है कि मुसन्निफ पेंसिल्वेनिया से तशरीफ लाए हैं, कर्स्टाउन यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर की हैसियत से फ़राइज़ अंजाम दे रहे हैं। दरख्वास्त करता हूँ कि वो तशरीफ लाएँ और किताब पर तबसरा पेश करें। जनाब प्रोफेसर अदील अशरफ साहब, सदरे मोहतरम, मेहमान खुसूसी जनाब रफीदास साहिब, चंद बहुत ही मुख्तसर गुजारशात जनाब तकी कमाल की शबे तन्हाई के हवाले से। ये गुजारशात जो हैं वो तकी कमाल और गजलियत के उनवान से हैं, बहुत मुख्तसर हैं।
پہلے تو غزلیت کے بارے میں، میری ناقص رائے میں غزلیت نزاکت احساس کے ساتھ حسن پر ممکنہ تناظرات میں جد ترازی کو غنائیت سے بھرپور زبان میں پیش کرنے کا نام ہے۔ تفصیل اس اجمال کی یہ ہے کہ حسن و جمال پر قدماء اور جدید مفکرین فلسفہ دو تین بڑے مکاتین فکر میں تقسیم ہیں۔ فلاطونیوں کے خیال میں جمال ایک مجرد تشکل یا ایبسٹریکٹ فارم ہے جس کی حیثیت آفاقی ہے، جس کی جھلک ہمارا ذہن کبھی کبھار ہی حاصل کر سکتا ہے، اور وہ لمحہ ادراک جمال کا نایاب لمحہ ہوتا ہے، اور اسی لمحے میں شعرا اور فنکار جمالیات کے حوالے سے اپنے فن پارے تخلیق کر پاتے ہیں۔ کنسپچولسٹ کا یہ خیال ہے کہ حسن کوئی ایبسٹریکٹ فارم یا مجرد شکل نہیں، بلکہ اس کے تصورات انسانی ذہن کی اختراع ہیں، اور حسن کی تخلیق اور حسن پر تناظرات کے حوالے سے جدت ترازی شعراء اور فنکار دراصل اپنے اندر موجود انوینٹیونیس کی صلاحیت کو بروئے کار لا کر سر انجام دیتے ہیں۔ اس کے برعکس پرٹیکولرسٹ کا یہ خیال ہے کہ اس صرف متجسم شکل میں آفاق کی مخصوص اشیاء میں پایا جاتا ہے، اور شعراء ان مخصوص اشیاء کے حسن سے متاثر ہو کر غزلیت یا حسن پر مختلف تناظرات سے جدت ترازی کرتے ہیں۔ اب تقی کمال کی اس کتاب شب تنہائی میں ان کی غزلیت کی چند جھلکیاں دیکھیں۔ چین سے اپنی بسر رات نہ ہونے پائی، ساغر و مے سے ملاقات نہ ہونے۔ اس غزل کے اندر آپ کلاسیکیت، اردو کلاسیکی غزل